नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के सजा देने के किस्से आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर कोरिया के पियोंगयांग से सामने आया। यहां एक फिशिंग बोट के कैप्टन को इसलिए मौत की सजा दे दी गई क्योंकि वो एक विदेशी रेडियो स्टेशन सुनता था। रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक बोट का कैप्टन 15 साल से ये रेडियो स्टेशन सुन रहा था। ये रेडियो चैनल उत्तर कोरिया में प्रतिबंधित है। समुद्र में सफर करने के दौरान उसके रेडियो पर यह चैनल कैच करता था, जिसके प्रोग्राम सुनने के चलते कैप्टन को सरेआम गोली से उड़ा दिया गया। खबरों के मुताबिक वो कैप्टन पहले सेना में रेडियो ऑपरेटर का काम करता था। रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक चोई नाम के इस कैप्टन को उसी के 100 वर्कर्स के सामने गोली से उड़ा दिया गया। चोई 15 से ज्यादा जहाजों का मालिक था। रेडियो फ्री एशिया के रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि चोई के एक किसी स्टाफ ने उसके रेडियो सुनने के बारे में ऑफिसर्स को जानकारी दे दी। वहीं एक अधिकारी का कहना है कि चोई पहले सेना में रेडियो ऑपरेटर था और वहीं उसने विदेशी प्रतिबंधित ब्रॉडकास्ट सुनना शुरू किया। कुछ ऑफिसर्स का कहना है कि जहाज के कैप्टन चोई को लगता था कि वो इस बेस का हिस्सा है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उस पर किसी तरह का अनऑफिशियल चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन उसकी स्टाफ से बनती नहीं थी, यही उसके लिए नुकसानदायक बन गया। नॉर्थ कोरिया में कई विदेशी रेडियो स्टेशनों के लाइन सुने जाते हैं, लेकिन किम जोंग का प्रशासन सख्ती से इन चीजों की निगरानी करता है। साथ ही नॉर्थ कोरिया में ये भी रिकॉर्ड किया जाता है कि वहां के लोग रेडियो में आखिर क्या सुनते हैं। खबर ये भी थी कि इतने बड़े बोट के कैप्टन को गोली मारने से कई लोगों को सबक सिखाया जा सकता है, ताकि वो प्रतिबंधित रेडियो कभी ना सुने। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के सजा देने के इस किस्से के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।